कोल्हान के श्रीनाथ यूनिवर्सिटी आदित्यपुर में प्रथम सेमेस्टर के 15 से 20 विद्यार्थियों को परीक्षा देने से रोक दिया गया। विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा देने से रोके जाने का कारण पूछने पर बताया गया कि उनके सेकंड सेमेस्टर की फीस जमा नहीं है। इस बात पर विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा है और उसका पूरा शुल्क जमा है। ऐसे में बगैर परीक्षा के ही सेकंड सेमेस्टर का शुल्क जमा करने की बात एडमिशन के दौरान नहीं की गई थी। परीक्षा से कुछ ऐसे भी छात्र वंचित किए गए जो सेकंड सेमेस्टर की फीस तो भर चुके हैं, लेकिन उनके बस का किराया बकाया है, जिसके कारण उन्हें एडमिट कार्ड नहीं दिया गया। एक विद्यार्थी के पास शुल्क के 34,000 रुपए थे, महज 600 रुपए कम पड़ने पर उसे एडमिट कार्ड नहीं दिया गया। गेट पर परीक्षा से वंचित खड़े विद्यार्थियों ने कहा कि वे कॉलेज के डीन से बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डीन से भी बात नहीं कराया गया। वहीं विद्यार्थियों ने कहा कि उन्हें 1-2 दिन की मोहलत दी जाए, लेकिन उस पर भी कॉलेज के प्रबंधन ने विद्यार्थियों की एक भी बात नहीं सुनी। अब छात्रों में आक्रोश देखा जा रहा है। इस संबंध में श्रीनाथ यूनिवर्सिटी प्रबंधन से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो पाई। मैं बीटेक मैकेनिकल में हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है आज, तो मेरे को एडमिट कार्ड नहीं मिला, सेकंड सेमेस्टर फीस ना सबमिट करनी। क्या बोल रहा है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट बोल रहा है कि सेकंड सेमेस्टर फीस हो गया तभी एडमिट कार्ड मिलेगा। फीस आप लोगों का क्लियर है कि नहीं? फर्स्ट सेमेस्टर का फीस क्लियर है, सब फाइनल एग्जामिनेशन सब के टाइम में ये है, बस एडमिशन फॉर्म नहीं, एडमिट कार्ड नहीं। कब से एग्जाम शुरू है? एग्जाम कब से? एग्जाम आज। क्या नाम बताया आपका? सुष्मिता सिंह। बीसीए फर्स्ट ईयर में है, पहला सेमेस्टर का आज एग्जाम है और फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा पैसा क्लियर है, और ये लोग कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि एडमिट कार्ड नहीं देंगे जब तक सेकंड सेमेस्टर का आपका पैसा क्लियर नहीं होगा। ऐसा बोला नहीं गया? और जबकि जब एडमिशन कराने आए थे तब ऐसा कुछ नहीं बोला गया। और सेमेस्टर खत्म हो, सेकंड सेमेस्टर जनवरी में स्टार्ट होना चाहिए, अभी तक फरवरी में पहला सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है। इल्लू का डिले हो सकता है, हम लोग का पैसा में डिले हो रहा था, एडमिट कार्ड नहीं थे। तो अभी पहला सेमेस्टर का एग्जाम देना है क्या? हाँ, पहले सेमेस्टर का एग्जाम, और पहले सेमेस्टर का पहला एग्जाम भी है 11 बजे, तो हम लोग जाने नहीं दिया। और उन्होंने टाइम भी मांग रहे कि 2 दिन का दे दीजिए, तो बोलता है नहीं देंगे, पहले पैसा लाइए तब होगा। आधा पैसा भी बोल रहे देंगे तो बोलता है नहीं होगा। कितने लड़के हैं आप लोग? हम लोग सब अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग। कितने लोग? तो 15-20 होंगे। आप लोग का फीस जमा नहीं है? सबका फीस जमा है पहला सेमेस्टर का। हर कॉलेज के नियम है कि पहला सेमेस्टर का आपका फीस जमा है तो आपको एग्जाम देने मिलेगा, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं सेकंड सेमेस्टर का ही भरिए तब आपको पहला सेमेस्टर का एग्जाम देने मिलेगा। ऐसा कोई नियम या कोई है नहीं। बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर CS, मेरे पास पैसा होने के बावजूद मेरे पास 600 रुपये घट रहा था, 34,200 रुपये है, और फाइन है आपका 400 रुपये लिया जा रहा है फाइन, 20 रुपये डेली का बेसिस से। तो क्या हुआ है कि मेरे पास 34,000 रुपये है, कहीं से जुगाड़ करके बंदोबस्त करके घर से लेके आया हूँ, 34,600 रुपये कम पड़ रहा है, उसकी वजह से एग्ज़ाम नहीं दिया जा रहा है, बैठा नहीं, एडमिट कार्ड के लिए रोका जा रहा है। और बहुत सारा ऐसे लोग हैं कि जिसका बस का फीस नहीं है लेकिन सेमेस्टर फीस भर दी है, लेकिन बस का नहीं भर है, तो उसके लिए उनको नहीं दिया जा रहा है एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो अभी आप लोग मैनेजमेंट से बात किए हैं? मैनेजमेंट से बात किए हैं, हमारे जो डीन है वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो खाली उनको मैंने कहा है कि मेरे पास 34,000 रुपये है, मेरे पास 600 रुपये घट रहा है, तो वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है बाद में आइएगा। बाद में कब आएंगे? 11 बजे तो बज गया, एग्ज़ाम सब बैठ गया है, अब क्या हमारे पास इतना समय ही नहीं है? 3 घंटा मिल रहा है समय, उसमें से भी 80 मार्क्स का पेपर है, तो कैसे उसको हम दे पाएंगे? अगर हम अभी भी अगर लेंगे तो 1 घंटा में और क्या 1-2 घंटा में हो पाएगा? ठीक है।